तुम नर्वस हो? मेरी पहली बार शादी हो रही है ना? राइट, मेरी शादी तो रोज रोज होती है। जल्द ही सेट इंडिया की नए सीरीज मैं मायके चली जाऊंगी अपने 50 एपिसोड्स पूरे करने वाले हैं। वैसे शो की टीआरपी में दम भले ही ना हो, मगर व्यूवर्स को टोटल एंटरटेन करने का दम कहानी गारंटीड रखती है। और वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे आगे ऑन 5 थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट मैं मायके चली जाऊंगी। शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, मैं म्यूजिक चलाती हूँ। A fresh take. वैसे शो कुछ हिस्सों में थोड़ा टिपिकल है, बट इन अ पॉजिटिव वे। एक परफेक्ट ट्रेडिशनल का मॉडर्न परिवार, एक आदर्शवादी बेटा और एक आइडियल माँ। और अब आता है शो का वो छोटा सा ट्विस्ट जिसने कहानी को एक बिल्कुल ही नया रूप दिया। फॉर अ चेंज, शादी को लेकर लड़की या लड़की वालों में वही पुरानी सोच को नहीं दिखाया गया। जब रिश्ता मुसीबत बन जाए माय लॉर्ड, तो उसे तोड़ना ही अच्छा है। वो और घर होते होंगे जहाँ पे शादियाँ टूटती है। हमारे यहाँ तो शादी वाकई ही जन्म जन्म का बंधन है। वैसे इन दोनों नजरियों में से किसी एक को सही या गलत का दर्जा देना तो सोशली थोड़ा डिबेटेबल है, मगर यहाँ कहानी के रूप में नो डाउट एक फ्रेश टेक है। 4, अ ड्रामेडी। वैसे ये कहना सही होगा कि शो के प्रोमो ने हमें थोड़ा मिसलीड किया। विदा कर रही है, अलविदा नहीं। जहाँ प्रोमोज ने हमें एक कंप्लीट कॉमिक वाइब दिए, वहीं शुरुआती एपिसोड्स ने ये साफ कर दिया कि ये शो एक ड्रामेडी सीरीज है। एंड थैंकफुली कहानी के लाइट हार्टेड मोमेंट्स एंड सिचुएशंस ड्रामो के हैवी डोज से हमें ब्रेक दिलाते हैं, और इन कैरेक्टर्स की एंगेजिंग केमिस्ट्री एक कॉमिक रिलीफ। हमारी सूटकेस कितना सुंदर है ना, मुझे भी दिला दो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सूटकेस कभी भी एक जगह टिकता ही नहीं है। 3, स्टोरी पेज। द मेकर्स मेड श्योर कि कहानी के अलग अलग फेजेस को व्यूवर्स के सामने उनके एक्सपेक्टेशन से पहले ही रख दिया जाए। हमारे मेन लीड्स की पहली मुलाकात से लेकर उनके रियलाइजेशन, प्रपोजल, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, शादी का तय होना, फिर रद्द होना और फिर तय होना एंड द ग्रैंड वेडिंग, इतना सब कुछ इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विदाउट ड्रैगिंग द स्टोरी काफी सराहनीय है। ओवरऑल शो की स्टोरी पेस काफी एंगेजिंग है, जो व्यूवर्स को बोर होने का मौका नहीं देती। अब ना आपकी शादी हो गई है तो दरवाजा बंद करने की आदत डाल लो। 2, अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। अपने इमेंसली पॉपुलर भाभो से कम्प्लीटली ऑपोजिट नीलू जी इस नए रूप में काफी रिलेटेबल है। इस नए किरदार में वो एक अलग ही शेड में नजर आ रही है, जहां एक और वो एक केयरिंग माँ है तो दूसरी ओर एक हार्डकोर डिवोर्स लॉयर जो ना सेटलमेंट करती है और ना ही एडजस्टमेंट। मेरे सामने एडजस्टमेंट की बात कभी मत करना। मगर अभी भी ऐसे कई व्यूवर्स हैं जो इस कैरेक्टर या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक और जहां वो शादी के बंधन को मानती है, शादी करोगे मेरी बेटी से, वहीं डिवोर्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देती है। ये रिश्ता एक और मौके का नहीं, तलाक के लायक हो चुका है। एक और अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाती है तो दूसरी उनकी शादीशुदा जिंदगी में एक्सट्रीमली इंटरफेयर करती है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डांटने की। लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि उनका यही एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स नेचर इस किरदार को इतना चैलेंजिंग बनाता है, जहां वो आज भी अपने अतीत में जीती हैं। वैसे आपको बता दें कि रमा का किरदार निभा रही अदिति देशपांडे ने दोनों माओ के लिए ऑडिशंस दिए थे, और फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। दोनों ही एक्ट्रेस अपने रोल में परफेक्टली फिट नजर आ रही है। शादी कोई मशीन नहीं है बहन जी, जो पहले दिन ही परफेक्ट होगी। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट तो करने पड़ते हैं ना। मैं एडजस् ट नहीं करती। 1, अ फ्रेश पेयरिंग। कोई काम था? तुमसे ही हर काम है, तुमसे ही सब आराम है,
अगर तुम साथ ना हो तो जिंदगी 10th बोर्ड का एग्जाम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नमिश और सृष्टि की पेयरिंग शो में एक ताजगी लाती है। उनका इनोसेंस, उनकी क्यूट केमिस्ट्री स्क्रीन पे साफ जाहिर है। चाहे वो उनकी पहली मुलाकात हो, पहला अट्रैक्शन हो या पहली नजर का पहला प्यार हो, नो डाउट दे लुक सो अडोरेबल टुगेदर, बिल्कुल किसी परफेक्ट पेयर ऑफ लव बर्ड्स की तरह। मगर ये परफेक्शन भी तभी तक है जब तक फोन की घंटी नहीं बजती और मायके की धमकी नहीं मिलती। शराब पी है? तुम सब मर्द ना एक जैसे ही होते हो। तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो? मैं बात को बढ़ा रही हूँ, तुम बढ़ा रहे हो। शादी मतलब समाधि? अरे वो तो क्या सोच है तुम्हारी, अब तुम समाधि में ही रहो। मैं मम्मा के साथ ही थी। तो एक काम करो, जाओ अपनी माँ को समझाओ, उनसे समझो। वैसे शो की रफ्तार को देख के तो यही लगता है कि राइटर्स बिना किसी देरी के कहानी के क्लाइमैक्स को जल्द ही शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। हे भगवान, फिर से घर छोड़ के आ गई। तो ये थे 5 थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट मैं मायके चली जाऊंगी। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मुझे ना तुमसे बात करनी है। अमर, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं। तो मैं किससे बात करूँ? तुम अभी अपने घर जाओ, तुम चलो। और आपके? हेलो जया, पहुँच गया तुम घर? मैं ससुराल पहुँच गया, मैं बड़े वाले ससुराल पहुँच गया।